मनोहर, क्या वाकई जैसा चिराग कह रहे हैं कि शर्तों के दायरे में रहकर चर्चाएं नहीं होती हैं, और अब दोनों ही तरफ से उम्मीदवार स्पीकर पद के लिए नॉमिनेशन दाखिल कर चुके हैं, यानी अब संघर्ष होगा, इसमें हार जीत किसकी है किसकी नहीं है कोई भी अंदाजा अभी लगा सकता है, लेकिन क्या विपक्षी गठबंधन अपनी ताकत का आंकड़ा दुनिया में बताने के लिए इस चुनाव को लड़ रहा है? देखिए, बिल्कुल, आप देखिए, लगातार चाहे प्रोटेम स्पीकर की बात हो तो उस समय भी सियासत तेज हुई थी, और के सुरेश को लेकर के लगातार कांग्रेस के नेता कहते आ रहे थे कि ये सबसे वरिष्ठ हैं और इनको बनाया जाना चाहिए, लेकिन आज परंपरा टूट रही है। परंपरा इसको लेकर के टूट रही है कि स्पीकर को लेकर के चुनाव होने जा रहे हैं, करीब 6 से 7 दशक राजीव वक्त हो चुका है, तो आम सहमति से बन जाता था, लेकिन आज ये नौबत आ गई कि दोनों आमने सामने हैं। के सुरेश जो है सो ओम बिड़ला के सामने खड़े हो चुके हैं। अब बात हुई शर्तों की, क्योंकि अगर शर्त के आधार पर करेंगे तो सरकार को दिक्कत हो सकती है। लगातार ऑपोजिशन और कांग्रेस के नेता कहते आ रहे हैं कि इस सरकार जो है सो गठबंधन नहीं, लगातार जो है सो हिलती हुई नजर आ रही है, समर्थन में नहीं है। खड़गे कितने बार बोल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं NDA को इस बात का शक है। अगर हम डिप्टी स्पीकर उनको दे दें तो आपको याद होगा कि वाजपेयी की सरकार दूसरी पार्टी के होने की वजह से सरकार चली गई थी, तो ऐसे में BJP फूक फूक करके कदम रख रही है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए NDA के नेता ये चाहते हैं कि कोई भी हम इंडिया ब्लॉक को क्यों माने, जब हमारे पास 293 की संख्या है, संख्या बल है, तो हमारी जीत सुनिश्चित है। लेकिन फिर भी इसके बाद कुछ देर के बाद व्हिप जारी हो जाएगा कांग्रेस की ओर से और तमाम पार्टियों की ओर से, ताकि कल अगर वोटिंग हो तो क्रॉस वोटिंग ना करे, तमाम सांसद मौजूद हो, और इंडिया ब्लॉक के लोग अभी भी जुगत में हैं कि जो तमाम निर्दलीय सांसद हैं या किसी तरह हम क्रॉस वोटिंग करवा लें, लेकिन ये कहीं दिखता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन का खेल है, अंकगणित का खेल है, तो अंकगणित में आंकड़े जो है सो NDA के पास है जी। चलिए, बड़ी खबर हम बता देते हैं मनोहर, फिर आपका रुख करते हैं। देश में पहली बार लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव होने जा रहा है। लोकसभा स्पीकर के लिए कल मतदान होगा, स्पीकर पद के लिए कल 11 बजे मतदान होगा, नॉमिनेशन दाखिल किया जा चुका है। विपक्षी गठबंधन ने अपना उम्मीदवार के सुरेश को बना के उतार दिया है। हालांकि आंकड़ों की बात अगर देखी जाए तो सीधे तौर पर NDA के पास विनिंग कॉम्बिनेशन है, टारगेट है उनके पास, जितने वोट्स के साथ उनको इस चुनाव को जीतना है। लेकिन फिर भी विपक्षी गठबंधन ने अपना उम्मीदवार उतार कर 2-3 निशाने साधे हैं। पहला तो यहाँ पर यह साधा है कि उसने संदेश दिया है कि वो NDA के सामने अब किसी भी बात को लेकर झुकने वाला नहीं, चाहे परंपरा टूटे या ना टूटे, चाहे पिछले कई सालों से सर्वसम्मति से बन रहा हो स्पीकर, लेकिन वो अपनी संख्या बल और अपनी ताकत दिखाना चाहता है। दूसरी बात, जब ये चुनाव होगा तो जाहिर सी बात है पक्ष विपक्ष के आंकड़े भी सामने आएंगे, और इस आंकड़े के जरिए विपक्षी गठबंधन देश में ये प्रचार कर पाएगा कि हम अब इतने ताकतवर होके संसद में आ चुके हैं और ये हमारा संख्या बल है, और इसके साथ वो अपनी ताकत को दिखाएगा भी। तीसरा जो बहुत बड़ी बात है, लगातार विपक्षी गठबंधन इस बात पर जोर दे रहा है कि NDA के गठबंधन में टूट फूट हो सकती है, तो क्या क्रॉस वोटिंग की तरफ नजर है विपक्षी गठबंधन की? क्या विपक्षी गठबंधन को उम्मीद है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है, और अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो वो सरकार के लिए किरकिरी की तरह होगी? कनिका मेरे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। कनिका, क्या विपक्षी गठबंधन बहुत ज्यादा इस बारे में पुख्ता है, इस बारे में उसको यकीन है कि अब जब 11 बजे का मतदान होगा तो इस बात को हटा कर कि पहली बार मतदान तक नौबत आ गई है, वो ये दिखाना चाहता है कि एक, उसका संख्या बल कितना है संसद में, दूसरा, क्या क्रॉस वोटिंग करवाने में सफल हो जाता है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सरकार के लिए एक और किरकिरी। देखिए, बिल्कुल दोनों चीज़ों की बात कर लेते हैं। पहली ये बात कि जिस तरह से विपक्षी तमाम गठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस की ओर से के सुरेश को उम्मीदवार बनाया गया है, उसके पीछे एक बड़ी रणनीति ये भी है कि मैं आपको रोकना चाहूंगा, राजनाथ सिंह का रुख कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं।
आज तक उनसे तीन बार हमारी बात हुई। राजनाथ सिंह जी जा चुके हैं, कनिका अपना जवाब पूरा करें। देखिए बिल्कुल साफ तौर पे पहली बार स्पीकर को लेकर जो है चुनाव होने जा रहा है, जिसमें इंडिया अलायंस की ओर से के सुरेश को उतारा गया है उम्मीदवार के तौर पे। इसके पीछे दो कारण समझिए, एक कारण ये भी है कि जिस तरह से लगातार इंडिया अलायंस ये बोल रहा है कि एनडीए सरकार के पास जो बहुमत है, जो नंबर है, उनको उसको बार बार फ्लोर में दिखाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं एक ये चैलेंज इंडिया अलायंस की ओर से क्रिएट किया गया है, ये बनाया गया है कि एनडीए को जो उनके पास नंबर है वो दिखाने होंगे। दूसरा, अब कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस की ओर से तमाम जो गठबंधन के लोग हैं वो ये भी कोशिश करेंगे कि जो निर्दलीय सांसद चुनके आए हैं उनसे कैसे संपर्क किया जाए और उनको किस तरह से क्रॉस वोटिंग के लिए तैयार किया जाए। अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो पहली बार ऐसा होगा कि स्पीकर के लिए कहीं ना कहीं चुनाव जो है फंसता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस पूरे मामले के पीछे दो बड़ी रणनीति के तहत जो ये फैसला किया गया है, एक तो विपक्ष चाहता है कि जो 234 सीटें उनको मिली हैं, जितनी मजबूती के साथ विपक्ष इस बार संसद के भीतर आया है, उस मजबूती को वो बार बार पेश करे और एनडीए सरकार को चुनौती देता रहे कि इस बार का जो संसद होगा या इस बार की जो सरकार होगी वो आराम से चलने वाली सरकार नहीं होगी, और कहीं ना कहीं ये चैलेंज क्रिएट जो है वो किया जा रहा है विपक्ष की ओर से। दूसरा ये है कि बार बार देखा होगा आपने कि एनडीए में टूट फूट की बात को लेकर लगातार जो है तमाम विपक्ष के नेताओं की ओर से ये बयान भी आए हैं कि कुछ लोग हमारे संपर्क में हैं, सरकार टिक नहीं पाएगी। तो अब स्पीकर पोस्ट को लेकर जब चुनाव होगा तो नंबर गेम सबसे महत्वपूर्ण उस जगह पे माने जाते हैं, और बिल्कुल इंडिया अलायंस की ओर से ये कोशिश की जाएगी कि एनडीए के जो तमाम निर्दलीय सांसद हैं या जो बाकी निर्दलीय सांसद हैं उनको किस तरह से तोड़ा जाए, किस तरह से क्रॉस वोटिंग करवाई जाए। लेकिन ये सिलसिला दोनों तरफ से हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया अलायंस कोशिश करेगा, एनडीए भी कोशिश करेगा कि इंडिया अलायंस के तमाम सांसदों से संपर्क किया जाए ताकि जो क्रॉस वोटिंग का खतरा है वो कहीं ना कहीं एनडीए को झेलने को ना मिले। तो इसके पीछे दो ही रणनीति है, विपक्ष का मजबूती के साथ अपने आप को बार बार दिखाना कि हम मजबूत हैं, हम सरकार को बार बार चैलेंज दे रहे हैं, हम सरकार के लिए बार बार एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ताकि एनडीए को बार बार ये प्रूव करना पड़े कि जो मेजोरिटी के दावे वो बार बार करते हैं क्या वो मेजोरिटी फ्लोर के भीतर उनके पास है या नहीं। और दूसरा ये कि विपक्ष चाहता है कि इस तरह का चुनाव हो, हालांकि उनको पता है कि वो हार जाएंगे क्योंकि नंबर गेम उनके पास नहीं है, लेकिन एक मजबूती के साथ विपक्ष अपने आप को संसद के भीतर पोर्ट्रे करना चाहता है कि विपक्ष इस बार मजबूत होकर आया है, जो सीटें विपक्ष के खाते में आई हैं वो अच्छी सीटें हैं और विपक्ष इस बार जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं इस तरह की रणनीति जो है वो इसके पीछे प्लान आउट की गई है। हालांकि सबको पता है इस बारे में कि नंबर गेम का ही सवाल होता है और कल 11 बजे जब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी उससे पहले इंडिया अलायंस हो या एनडीए हो उसकी ओर से बिल्कुल एक व्हिप जारी किया जाएगा ताकि तमाम सांसद जो हैं वो लोकसभा के भीतर उस दौरान रहें। और अब इंडिया अलायंस हो या एनडीए हो दोनों के लिए कश्मकश का सवाल है कि जो उनके तमाम सांसद हैं, तमाम जो सहयोगी दल के सांसद हैं या सहयोगी दल हैं वो एकजुटता के साथ रहें। दोनों ही पार्टी, दोनों ही गठबंधन के लिए अपने आप में चुनौती है, लेकिन कल वो 11 बजे का वक्त है जब वोटिंग होगी और तय होगा कि आखिरकार क्या जो विपक्ष की रणनीति है वो सक्सेसफुल हो पाई या फिर सरकार अपनी। ठीक है कनिका, ठीक है कनिका, थोड़ी देर के लिए रुके, मैं आपका रोक एक बार फिर से करूंगा। मीसा भारती आरजेडी की सांसद क्या कुछ कह रही हैं, आइए सुन लेते हैं। मैम आपको लगता है कि विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद मिलना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। मैम किस तरीके से देखते हैं आप, अगर डिप्टी स्पीकर क्योंकि विपक्ष डिमांड कर रहा है, आपको क्या लगता है कि अब क्या होना चाहिए इस पे? नहीं, हम लोग चाहते हैं कि डिप्टी स्पीकर, क्योंकि अभी तक क्योंकि कल से ओथ का जो नए मेंबर्स जितने भी आए हैं उन लोगों का ओथ चल रहा था, आज हम लोग जाते हैं और देखते हैं कि जो सीनियर लीडर्स हैं उनकी क्या चर्चा चल रही है, उसके बाद मुझे लगता है कि शाम तक कुछ ना कुछ निकल के सामने आएगा, तो हम लोग मीडिया को अवगत कराएंगे। साथ ही साथ राहुल गांधी ने कहा है कि 15 दिन जो सरकार के चले हैं उसमें कई ऐसी दुर्घटना हुई है, उस पर भी सवाल माना। देखिए जब सरकार बनी तो सबसे पहले आप रेल दुर्घटना हुई, उसके बाद नेट का आपने पेपर देखा लीक हुआ, और दोनों मंत्रियों ने जिस तरह से जवाब दिया, एक गैर जिम्मेदार तरह का जवाब था, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी और इस पे खुद मीडिया के सामने आके और देश को बताना चाहिए था कि इसमें कौन लोग दोषी हैं और क्या किस तरह की है और क्या इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए।